यानी सजनों वैसे हमारे महान कवि तुलसीदास जी कह गए हैं कि भाई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी कभी होय। यानी संतों का आवागमन यानी मकान का हो जाना, संतान का हो जाना, जायदाद का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं बताइए, लेकिन भगवान के भजन और संतों का आवागमन कोई पूर्व जन्म के संस्कार से इंसान को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये हमारा श्रोमणी तीर्थ स्थान राजस्थान में एक त्रिवेणी, इसका छोटा सा सूक्ष्म रूप में एक मेरा बनाया हुआ भजन है, वो सुनाना पड़ गया। भैर धारा तीन निकल कर बहती तर्पिणी है उत्तम धाम, इसी के तट पर संत महात्मा हरदम लटते ईश्वर नाम, इसी के तट पर संत महात्मा हरदम लटते ईश्वर नाम। दुनी राम की आठों याम निज मंदिर में होती है, संतु की सकलाई सवाई अखंड धर्म की धोती है, संतु की सकलाई सवाई अखंड धर्म की धोती है, अखंड धर्म की धोती है। कहाँ तक करूं बखानी, संत श्रोमणी गंगा दास जी के चरणों की निशानी, और संत श्रोमणी गंगा दास जी के चरणों की निशानी। निर्मल बहता पानी यहाँ पर काया पवित्र होती है, संतु की सकलाई सवाई अखंड धर्म की ज्योति है, संतु की सकलाई सवाई अखंड धर्म की ज्योति है, ज्योति है। मैया मेरी रे अखंड धर्म की ज्योति है, अखंड धर्म की ज्योति है, संतों की सकलाई रे सवाई अखंड धर्म की ज्योति है, वो संतों की सकलाई रे सवाई अखंड धर्म की ज्योति है। श्री नारायण महाराज आपका यश दुनिया में छाया, यज्ञ हवन पुण्य दान धर्म करे सच्चा भजन कमाया, और यज्ञ हवन पुण्य दान कर्म करे सच्चा नाम कमाया। नाथ सिंह ने प्रेम से गाया भजन मोक्ष का मोती है, संतु की सकलाई सवाई अखंड धर्म की ज्योति है, संतु की सकलाई रे सवाई अखंड धर्म।